आप लोग होप्स हो कि सब सही चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास पपी या डॉग है तो कौन सी ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो आपके पास हर एक टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी जो पपी है उसको भूख ना लगना, या फिर उसके हेयर्स की ग्रोथ ना होना, या फिर उसकी बोन्स की ग्रोथ ना होना, ठीक है, उसका लीवर ख़राब रहना, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। या फिर उसमें टिक्स वगैरह जो हो जाते हैं, टिक्स और फ्लाइस फ्लीस वगैरह हो जाते हैं बालों में, वो भी नहीं होंगे। सब सारा कुछ मैं एक टाइम पे इतना कुछ रखता हूँ राजन के लिए, ठीक है, एक टाइम पे इतना कुछ रखता हूँ मैं। तो बात जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम क्यों लेना है। फ्रेंड्स, ये जो दवाई है, अब इसकी ऐसी हालत राजन ने की हुई है, तो ये आ गया राजन भी, ठीक है, फिर पता नहीं कुछ करेगा अभी। सो ये देख सकते हो आप, मुपीरोसिन, ठीक है, मुपीरोसिन है ये। और आप ये तब यूज़ कर सकते हो जब जब आपके पपी को कहीं पर कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, पिंपल्स हो गए हो या फिर रैशेज हो गए हो, आप अगर इसको लगाओगे तो पपी की स्किन ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑइनमेंट कुछ लिखा है पर वो उसने ख़राब कर दिया, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो मुपीरोसिन वेट के पास जाओगे तो आपको आइडिया दे सकता हूँ मैं, बस एक, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से, मेरे पास जो डॉक्टर्स बैठ हैं उनको कंसल्ट करके ही आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाके पूछ सकते हैं किसी भी वेट को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मैं तो खुद बोलूँगा कि आप यहीं से इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर वेट को भी कंसल्ट कीजिए, फिर जाके आप कोई एक्शन लीजिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में बात करता हूँ। उसके बाद अगर आपके डॉग्स को टिक या फ्लीज है तो मार्केट में इस तरह का पाउडर आता है, ये पाउडर है बेसिकली, ठीक है, इधर से कैप खुल जाएगी इसकी और ये पाउडर है अंदर इसके, ठीक है। पाउडर क्या दिखाना, पाउडर तो आपने देखा ही होगा, पर ये पाउडर है और स्प्रे भी आती है, ऐसी ही एक स्प्रे भी होती है, वो आप शरीर में लगा सकते हो। इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, इसको मतलब एक दो तीन जगह लगा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर उसका जो मुँह है वो ना पहुँचे आपके पपी या डॉग का, ठीक है, माउथ ना पहुँचे, क्योंकि वो इसको लिक कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और अगर पपी ज़्यादा छोटा है तो वेट को कंसल्ट करके ही सलाह मैं ये दूंगा कि उनको कंसल्ट कर ले फिर यूज़ करें, ठीक है। तीसरा फ्रेंड्स, ये आ गई मल्टीविटामिन। इससे पहले मैं इसको एक अलग कंपनी ही देता था, उसके बाद मैंने फिर ये देना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन 365, ठीक है, ये मैं देता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आपको यही देनी है, आप अपने वेट को कंसल्ट करके, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये देता हूँ, ऐसी होती है। हाँ, ये आधी नहीं होती, आधी मैंने थोड़ी है, ये पूरी होती है गोल, अगर कोई आती है तो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, आधी आधी रखी है इसके अंदर, देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरह की होती है, देख लो ध्यान से, टूटी हुई है, ठीक है। ये आप अपने पपी को एज के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। मल्टीविटामिन की ये क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस है कि अगर आपके आपका जो भी डॉग है अगर वो खाना खा रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका डॉग खाना खा रहा है पर उसमें क्या है कि उसको कुछ विटामिन है जो नहीं मिल पा रहे, ठीक है, तो ये वो पूरी करेगा। कुछ विटामिन इनको नॉन वेज से मिलेंगे, कुछ विटामिन इनको वेज से मिलेंगे। अब जो राजन है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट पे है तो मैं उसको मल्टी विटामिन देता हूँ, ठीक है, तो यह है मल्टी विटामिन, ठीक। उसके बाद ये आ जाता है अगर आपके पपी के फर या फिर स्किन कोट है, कोई भी हो, लॉन्ग कोट हो, ठीक है, या फिर शॉर्ट कोट हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम लोग ख़रीदते हैं कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से अडॉप्ट करते हैं कि जैसा भी पपी हमें पसंद है, ठीक है। सो स्किन और कोट के लिए, स्किन और कोट शाइन करेगा, ठीक है, अच्छा दिखेगा, साफ़ दिखेगा, डार्कर दिखेगा, सब के लिए रंग दिखेगा उसमें अलग से, ये देना है, ठीक है। रूल्स का ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ और खोल के कैसा होता है, ठीक है। राजन पहले बिल्कुल नहीं खाता था पर अब खाने लगा है, तो ये इस तरह का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आ जाएगा, देखो ये आ गया, कुछ करेगा पंगा अभी यहाँ पर पक्का मत, चलो चलो जाओ राजन जाओ, देखो देखो, नो नो। सो फ्रेंड्स, अभी राजन को सीट कर दिया, शैतानी कर रहा था बहुत ज़्यादा, अभी देख रहा है इधर उधर, करेगा फिर से कुछ। तो हम बढ़ते आगे, ये हो गया स्किन एंड कोट के लिए, ड्रूल्स कंपनी का आता है ये, नेट पे अमेजोन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया, ये जो है यह है कैल एंड कैल, कैल्शियम है ये बेसिकली, कम ये इसकी दवाई का नाम कैल एंड कैल, ठीक है।
ये कैल्शियम है, इसके अंदर ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ दिखा देता हूँ, ऐसे दिख जाएगा इसमें, इस तरह की दवाइयाँ होती है। आप किसी भी कंपनी की कैल्शियम दे सकते हो, हाँ, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी की दे दी, लोकल कंपनी की दे दी, आप थोड़ा सा देख के जो डॉक्टर दे रहा है आपको वो दे दो। कैल्शियम देना जर्मन शेफर्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर उस तरह का होता है कि इनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आ गया आपका लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आपको अभी जो लोग समझते हैं कि यार हमारा डॉगी तो ऐसे भी खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, मैं भी ऐसे समझता था, पर कुछ टाइम के बाद फिर राजन ने क्या किया, खाना बंद कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इस पर तो मैं बहुत डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, पर अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए लिवर टॉनिक है, इसको दिन में 2 या 3 बार तो देना चाहिए, ठीक है। अमाउंट इस पर लिखी रहती है पीछे, मैं राजन को 2.5 ml देता हूँ शाम सुबेरे और 2.5 ml शाम को, अकॉर्डिंग टू हिज एज। इसकी एज अभी 4 month और 16 दिन लगभग हो गई है, तो उस हिसाब से लीवर से, एक सेकेंड, इससे क्या होगा कि इसकी जो भूख है वो बरकरार रहेगी, इसका लीवर सही काम करेगा, जो एक जूस निकलता है हमारी लीवर से वो निकलता रहेगा और खाना इसको डाइजेस्ट प्रॉपरली होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मल्टीविटामिन, फिर से ये दूसरी कंपनी की है, पर आपको एक ही देनी है, आप या तो ये दे दो कोई भी कंपनी की, या तो ये दे दो, मतलब आपको एक देनी है एक टाइम पर, ये नहीं कि ये मल्टीविटामिन दे दी ये भी दे दी, ऐसा मत करना। मैं राजन को शुरू में ये देता था, फिर ये बोतल लगभग ख़त्म हो गई, इतनी सी बची होगी, तो इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया फिर इस पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एक ही देनी है, ऐसा नहीं है कि 3 कंपनियों की अलग अलग दे रहे हो, तो फिर तो बीमार हो जाएगा पपी। हाँ फिर फ्रेंड्स, ये इमरजेंसी है हमारे, इमरजेंसी वाला काम करती है पूरा दवाई, इसका नाम है ओडेंस्टेरोन ओरल सॉल्यूशन आईपी, ठीक है। इसका काम ये होता है कि कभी पपी को गैस वगैरह बन जाती है, उस वो कैसे पता चलेगा गैस बन जाएगी फ्रेंड्स, ये वोमिट करेगा, एकदम से वोमिट करेगा, ठीक है, और खाना खाते ही वोमिट कर देगा, पूरा खाना वैसे का वैसा ही इसके वोमिट में दिख जाएगा आपको जो उसने खाया, तो इसका मतलब है कि हो सकता है उसको गैस बन जाए, हो सकता है, ठीक है। अब पपी टू पपी वेरी करता है, पर हो सकता है कि उसको गैस बन गई हो, तो अगर आप ये दोगे जितनी भी अमाउंट वेट आपको बताएगा, तो उसको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा और आपके पपी की डाइजेस्टिव भी ठीक हो जाएगा एकदम से। पर ये दवाई ऐसी दवाई है जैसे हमें सरदर्द या गैस हो जाती है तो हम भी दवाई खाते हैं, तो उस तरह की दवाई है, इसको आप रोज़ नहीं दे सकते हो, ये कोई टॉनिक नहीं है, ठीक है। लिवर टॉनिक यू कैन गिव एवरीडे, बट यू कांट गिव दिस एवरीडे, ओके, ये नहीं देनी है रोज़। पर अगर बीमार है तो, अगर रोज़ ही बीमार है फिर तो आप वेट को ही दिखाओ, कभी कभार बीमार हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको दे सकते हो। ये आ गया हमारा एक और लिवर टॉनिक, ये ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा था रख लूँगा, बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी वीडियो बनाऊँगा तो। पहले मैं यही देता था हिमालय का डिजिटोन प्लस, ये वाला, तो जो है कि ये वही लिवर के लिए सेम पूरा, बस कंपनी अलग है इसकी, और ये भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर ये इस बार मैं ये वाला लेके आया था, ठीक है। इसकी कंपनी है आपकी, ठीक है, टेफिरोली 40 सिरप, ठीक है। सो कंपनी तो कंपनी है फ्रेंड्स, आप जाके अच्छी सी कंपनी की भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसी कंपनी की आपको लेनी है, ठीक है। और एक दवाई रह गई हमारी ये वाली, ये फ्रेंड्स है आपकी एप्टीक्विक। इससे क्या होता है कि कभी कभार होता है हमारा पपी खाना छोड़ देता है, ठीक है, जैसे राजन है अभी, ये शांत बैठा है, फिर बहुत बदमाश है एक नंबर का, ठीक है। कभी कभार हमारा पपी खाना छोड़ देता है, इसने खाना छोड़ दिया था कोई 3 से 4 month के बीच में, इसने बहुत खाना छोड़ दिया, बहुत कम खाता था, और ओनर्स ज़्यादातर स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारा पपी खाना नहीं खा रहा तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा कि अब ये सिरप लेके आए एप्टीक्विक, देखो 99% चांसेस है कि असर होगा, 1% हो सकता है कि ना हो, ठीक है, क्योंकि दवाई तो देखो श्योरिटी तो नहीं दे सकती ना कि ठीक ही हो जाएगा, है ना। पर इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो पपी की भूख को एकदम से बढ़ा देंगे, अगर एपेटाइट लॉस है तो इससे कवर हो जाती है एप्टीक्विक से, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि अगर आपके पास कोई भी पपी है, कैट है, तो आप उसको ये सब चीज़ें दे सकते हैं, आप अपने पास रखिए, ठीक है। हाँ, और एक लास्ट चीज़, ये टॉय भी रखिए, ये वाला, ठीक है, ताकि आपके पपी इसकी ऐसी हालत कर दे फिर।
ये देखो इसको, इसकी ऐसी हालत कर देता है, अभी इसका मूड नहीं है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब होनी चाहिए आपके पास एट अ टाइम। कभी भी पपी को प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास इतना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ले आओ, कुछ ज़रूरी चीज़ें पहले ले आओ, जैसे कैल्शियम ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, लिवर टोनिक उसके बाद, ठीक है, फिर मल्टीविटामिन, ठीक है, और टिक्स वगैरह। अभी राजन जो है ये डबल कोट जर्मन शेफर्ड है, तो बाल लंबे लंबे हैं, ठीक है, देख सकते हो आप इसको एक बार, देखो अब इसको, इसके बाल लंबे लंबे हैं, ये देखो पूरी उंगली अंदर चली जाती है, पता नहीं चलता देखो कहाँ जा रही है। सो फ्रेंड्स, इसके बाल है, इसके अंदर टिक्स कीड़े हो जाते हैं ना छोटे छोटे, वो दिखते नहीं हैं, तो ये रखता हूँ मैं। इसको लगाना कहाँ कहाँ है, इसको आप लगा सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा गले के नीचे, याद रहे उसका मुंह वहाँ ना पहुँचे बस, ठीक है। और मैं कोई वेट नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, पर मैंने वेट कंसल्ट किया है, इन सब दवाइयाँ मैंने वहीं से ली हैं, उनसे सब पूछ के आया हूँ मैं, तभी आपको बता रहा हूँ। पर फिर भी आपको अगर तसल्ली है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू कंसल्ट योर वेट, यू कैन, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। और मैं तो खुश होऊंगा कि आप पूरे नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो गई है, पर बहुत सारी दवाइयाँ कवर की हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो 1% भी आपकी हेल्प कर दे, ठीक है, तो आप लाइक शेयर वगैरह कर लिए, जिनके पास पपी वगैरह है तो हो सकता है उनको हेल्प हो जाए। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो सपोर्ट है, आई रियली मीन इट, और आगे करेंगे कुछ और बड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राजन भी बोल रहा है कि बस मैं बोर हो चुका हूँ, मेरे को देखो, देखो राजन, राजन देखो, देखो बहुत ज़्यादा ये भी बोर हो जाता है थोड़ी देर में खेल खुल के, अभी सो रहा है इसको, पपीता खाया ना अभी इसने। चलो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कस करते कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और राजन तो साथ ही आपके। ओके फ्रेंड्स, बाय।